नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ मेडिकोड में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्केल्स ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी के बारे में। तो स्केल्स ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी क्या होता है? तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि स्केल्स का जरूरत होम्योपैथिक फार्मेसी में क्यों पड़ता है। तो जब हम पोटेंटाइजेशन करते हैं, यानी कि जब हम ड्रग को डायनामाइज करते हैं, तो उसके लिए हमको ड्रग और व्हीकल का एक रेशियो लेना होता है, एक फिक्स रेशियो लेना होता है। तो उसी रेशियो में यूनिफॉर्मेलिटी को मेंटेन करने के लिए स्केल्स का जरूरत पड़ता है। तो होम्योपैथिक फार्मेसी में टोटल तीन स्केल है। पहला स्केल है सेंटीसिमल स्केल, दूसरा है डेसिमल स्केल और तीसरा है 50 मिलीसीमल स्केल। तीन स्केल है, सेंटीसीमल स्केल, डेसिमल स्केल और 50 मिलीसीमल स्केल। तो पहला क्या हमारा सेंटीसीमल स्केल। तो सेंटीसीमल स्केल क्या होता है, सेंटीसीमल स्केल क्या होता है हम देखेंगे। तो सेंटीसीमल स्केल दिए कौन थे? सेंटीसीमल स्केल दिया गया था डॉक्टर हनीमैन के द्वारा। डेसिमल स्केल दिया गया था डॉक्टर कॉन्टेस्टाइन हेरिंग और 50 मिलीसीमल स्केल भी डॉक्टर हनीमैन के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, तो अब इसके आपको अगर पोटेंटाइजेशन चैप्टर समझ में नहीं आया तो हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए, हम लोग उसी पे सकते हैं और आपको मिल जाएगा आपका प्लेलिस्ट में। इसके बाद तो जो सेंटीसीमल स्केल होता है और डेसिमल स्केल होता है, इसका यूज क्या चीज में किया जाता है? ट्राइचुरेशन में। ठीक है, सेंटीसीमल स्केल डेसिमल स्केल यूज किया जाता है ट्राइचुरेशन में, और सेंटीसीमल डेसिमल और 50 मिलीसीमल तीनों स्केल का यूज सकसन में किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर लिक्विड पोटेंसी बनाना है तो उसके लिए तीनों स्केल का यूज होता है, सेंटीसीमल स्केल, डेसिमल स्केल और 50 मिलीसीमल स्केल। और अगर सॉलिड पोटेंसी बनाना है यानी ट्रैचुरेशन करना है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग सेंटीसीमल स्केल और डेसिमल स्केल का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके सारे स्केल के बारे में पढ़ेंगे, सेंटीसीमल स्केल, डेसिमल स्केल और 50 मिलीसीमल स्केल। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं सेंटीसीमल स्केल से। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, सेंटीसीमल स्केल। तो सेंटीसीमल स्केल कौन दिया गया था? सेंटीसीमल स्केल जो है डॉक्टर सैमुअल हनीमैन के द्वारा 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन में सेंटीसीमल स्केल का पहली बार चर्चा आया। अब आपके मन में सवाल आ सकता है, होम्योपैथी तो बहुत पुराना था, तो सेंटीसीमल स्केल 1833 में सेंटीसीमल स्केल का बात कैसे आया? तो हम आपको बता दें कि जब होम्योपैथी का इन्वेंशन हुआ था, जब होम्योपैथी का सिस्टम शुरुआत हुआ था, तो उस समय डॉक्टर हनीमैन का ये कॉन्सेप्ट था कि हमको मेडिसिन को कम से कम करना है, ड्रग के क्वांटिटी को कम से कम करना है। लेकिन उस समय किसी एक यूनिफॉर्म मेथड का यूज नहीं किया जाता था कि 30 सी बनाना है तो 30 तक हमको लेके जाना है, सक्शन करना 30 टाइम्स। उस समय था कि कम करना है, तो वो एज ए एक्सपेरिमेंटल फेज में उसको कम करते जा रहे थे, लेकिन उसके लिए एक यूनिफॉर्म चीज़ सेलेक्ट नहीं किए थे, एक मेथड को सेलेक्ट नहीं किए थे, एक कंफर्म रेशियो को सेलेक्ट नहीं किए थे। ठीक है, तो जब 1833 में 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन आया, 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन डॉक्टर सैमुअल हनीमैन का, तो उसमें उन्होंने सेंटीसीमल स्केल को पूरी तरह से समझाया कि सेंटीसीमल स्केल कैसे काम करता है, सेंटीसीमल का रेशियो क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेंटीसीमल स्केल का प्रिंसिपल क्या है भैया? तो सेंटीसीमल का प्रिंसिपल है कि दिस स्केल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कि इसका प्रिंसिपल क्या है कि जो फर्स्ट पोटेंसी होगा, द फर्स्ट पोटेंसी शुड कंटेन वन पार्ट ऑफ क्रूड ड्रग मटेरियल, जो कि जो फर्स्ट पोटेंसी होगा यानी कि जो 1C होगा उसमें वन पार्ट क्या होगा हमारा क्रूड ड्रग मटेरियल होगा और 99 पार्ट उसमें व्हीकल होगा। 99 पार्ट क्या होगा उसमें? व्हीकल होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वन पार्ट ड्रग होगा और 99 पार्ट क्या होगा? व्हीकल होगा। ठीक है, और
उसके बाद जो भी सक्सीडिंग पोटेंसी बनेगा, जैसे 1C से 2C बनाना है हमको, तो उसके लिए 1 पार्ट प्रीसीडिंग पोटेंसी एंड रेस्ट 99 पार्ट वैक्यूल। वैक्यूल हमारा सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। और कब हम सॉलिड वैक्यूल सेलेक्ट करते हैं, कब लिक्विड वैक्यूल सेलेक्ट करते हैं, इसके लिए आप हमारा पोटेंटाइजेशन का वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें रेशियो क्या होता है, ड्रग और वैक्यूल का रेशियो, ये क्या है रेशियो, ये क्या है ड्रग, ये क्या है वैक्यूल। तो ड्रग और वैक्यूल का इसमें रेशियो क्या होता है, 1:99। और इसका ड्रग स्ट्रेंथ क्या होता है, 1/100, यानी कि 100 पार्ट में एक पार्ट ड्रग पाया जाता है। ड्रग स्ट्रेंथ हम लोग किसके लिए लिखते हैं, फर्स्ट पोटेंसी के लिए। ड्रग स्ट्रेंथ हमेशा किसके लिए लिखा जाता है, फर्स्ट पोटेंसी के लिए, ठीक है। इसका डेजिग्नेशन क्या होता है, अब देखिए क्या कि सेंटिसिमल स्केल में बहुत आदमी बोलते हैं कि इसका हम लोग सी लिख रहे हैं, 30C 40C, लेकिन हम लोग इससे कारण क्या होता है कि बहुत सारा कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे मान लीजिए 2C का मतलब 200 हो गया अगर रोमन अंक में देखा जाए, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके डेजिग्नेशन में कुछ नहीं लिखते, यानी कि इसका जो भी पोटेंसी है, जैसे 200% पोटेंसी है तो हम लिख देंगे एपिस मेलांजेना 200, अर्निका 200, ठीक है। जिसके आगे जिसके पीछे हम लोग कोई सी या कुछ लिखते नहीं है, ताकि हमको बाद में दिक्कत नहीं हो। इसलिए नहीं हो क्योंकि जब हम 1000 पे जाते हैं तो हम 1M लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि 1000 पोटेंसी का अगर हम कोई भी चीज़ लेंगे तो हम उसको क्या लिखते हैं, 1M, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर हम लिखेंगे 1MC तो वहाँ M का मतलब तो 1000 होता है, तो हमारा कोई पूछ सकता है कि सी तो फिर रोमन में तो 100 होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम लोग इसके डेजिग्नेशन में कुछ लिखते नहीं है, सिर्फ नाम के बाद इसका पोटेंसी नंबर लिख देता है, ठीक है। अब हमारा क्या है अप्लीकेशन, तो इसका क्या क्या यूज होता है। तो सेंटिसिमल स्केल का यूज ओल्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन में होता है, ठीक है, यानी कि इसका सैचुरेशन में भी होता है इसका, और इसका यूज सक्सन में भी होता है। और सेंटिसिमल स्केल का यूज हायर पोटेंसी के लिए होता है, लोअर पोटेंसी के लिए हम लोग सेंटिसिमल स्केल का यूज नहीं करते। जैसे 30 यूज करना है, 200 यूज करना है, 1M यूज करना है, तो इस तरह के पोटेंसी में हम लोग सेंटिसिमल स्केल का यूज करते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ पोटेंसी अंडर सेंटिसिमल स्केल, प्रिपरेशन ऑफ पोटेंसी अंडर सेंटिसिमल स्केल। अब देखिए इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो हम लोग बना चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ पोटेंसी पे, यानी कि पोटेंटाइजेशन। प्रिपरेशन ऑफ पोटेंसी क्या कहलाता है, पोटेंटाइजेशन। हम लोग ने डिटेल्ड वीडियो एक बना के हम लोग इसका पहले ही एक सीरीज पोटेंटाइजेशन का वहाँ पर डाल चुके हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पर डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग केवल उसको शॉर्ट में देखेंगे कि सेंटिसिमल स्केल में लिक्विड पोटेंसी कैसे बनाते हैं और सेंटिसिमल स्केल में सॉलिड पोटेंसी कैसे बनाते हैं। अगर इसका आपको डिटेल्ड वीडियो देखना है तो हम वहाँ पर प्लेलिस्ट में इसका वीडियो ऐड कर देते हैं, वहाँ हम लोग पहले से अपलोड करके रखे हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे इसमें लिक्विड पोटेंसी का पहले देखेंगे प्रिपरेशन कैसे होता है। हमको लिक्विड पोटेंसी अगर बनाना है तो हम सेंटिसिमल स्केल में कैसे बनाएंगे, तो हम सबसे पहले लिक्विड पोटेंसी बनाने के लिए क्या करते हैं। तो लिक्विड पोटेंसी बनाने के लिए हम 1 पार्ट मदर टिंचर का ले लेते हैं, जो कि मदर टिंचर बनाने के लिए हम लोग इसके बाद के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मदर टिंचर कैसे बनाया जाता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 पार्ट क्रूड ड्रग या फिर मदर टिंचर को एक ग्लास फाइल में ले लेते हैं, एक शीशे के डिब्बे में ले लेते हैं, ठीक है, 1 ड्रॉप। अब 1 पार्ट क्या, हमको वॉल्यूम में लेना है क्योंकि हमको लिक्विड पोटेंसी बनाना है, इसलिए हमको वॉल्यूम यानी कि 1 ml ले सकते हैं, 1 ड्रॉप ले सकते हैं, जो भी लेना है हमको लिक्विड में लेना है, वॉल्यूम में लेना है, ठीक है। तो 1 पार्ट हम क्या ले लेंगे, उसमें ड्रग या फिर मदर टिंचर ले लेंगे, ड्रग या फिर मदर टिंचर ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, 99 पार्ट उसमें लिक्विड वहीकल को ऐड करेंगे। तो लिक्विड वहीकल में हम क्या क्या यूज करते हैं, एल्कोहल या फिर डिस्टिल्ड वाटर। एल्कोहल या डिस्टिल्ड वाटर का हम लोग 99 पार्ट उसमें ले लेंगे। 99 पार्ट क्या लेंगे, 99 पार्ट बाय वॉल्यूम लेंगे, यानी कि या तो 99 ड्रॉप लेंगे या फिर 99 ml लेंगे, जो भी लेंगे ड्रग और वहीकल दोनों को सेम मिलेंगे। या ड्रग अगर ड्रॉप में लेंगे तो वहीकल भी ड्रॉप में लेंगे, ड्रग अगर ml में लेंगे तो वहीकल भी ml में ही लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अच्छे से उसके ढक्कन को लगा के, हमेशा ध्यान रखना है कि ग्लास फाइल जो है
ग्लास फाइल का एक तिहाई भाग खाली होना चाहिए, यानी कि अगर 15 ml का ग्लास फाइल है तो उसमें ड्रग और वेहिकल मिला के 10 ml तक ही होना चाहिए, उसका 5 ml खाली होना चाहिए ताकि जब हम उसको डाउन स्टॉक दें तो उसमें प्रॉपर सक्शन मिल सके उसको, ठीक है। और हम क्या करेंगे, सेंटिसिमल स्केल में उसको 10 डाउन स्टॉक देंगे, यानी कि 10 डाउन स्टॉक देंगे। तो जैसे 10 डाउन स्टॉक देंगे, हमारा 1C बन के तैयार हो जाएगा। और फिर अगर 1C से 2C बनाना है तो हम क्या करेंगे, कोई भी मतलब सक्सीडिंग पोटेंसी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 1 पार्ट फ्रॉम द प्रीसीडिंग पोटेंसी, यानी कि उसके पिछले पोटेंसी से 1 पार्ट लेके। जैसे कि हमको मान लीजिए 30C बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 29C से 1 पार्ट लेंगे बाय वॉल्यूम, और उसमें 99 पार्ट लिक्विड व्हीकल का एडिशन करेंगे, और फिर उसको अच्छे से बंद करके 10 डाउन स्टॉक देंगे। तो फिर हमारा 2C, 3C, 30C बन के तैयार हो जाए। जो भी हमको बनाना है उसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले उसका प्रीसीडिंग पोटेंसी का 1 पार्ट लेना होगा और उसमें रेस्ट 99 पार्ट लिक्विड व्हीकल का एडिशन करना होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें सॉलिड पोटेंसी हम कैसे बनाएंगे। लिक्विड पोटेंसी क्या कहलाता है, लिक्विड पोटेंसी का फॉर्मेशन सक्शन कहलाता है, और सॉलिड पोटेंसी का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, टाइचुरेशन। तो टाइचुरेशन पे भी हमारा वीडियो पहले से पड़ा हुआ, आप जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है सॉलिड पोटेंसी, तो सॉलिड पोटेंसी बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, सॉलिड पोटेंसी बनाने के लिए हम लोग को टाइचुरेशन का यूज करना, टाइचुरेशन प्रोसेस करना होता है, यानी कि अगर पोटेंटाइजेशन सॉलिड ड्रग का किया जाता है तो उसको हम लोग टाइचुरेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब सॉलिड पोटेंसी बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले 1 पार्ट क्रूड ड्रग को लेना होगा। 1 पार्ट क्या लेना होगा आपको, क्रूड ड्रग मटेरियल को लेना होगा। तो 1 पार्ट हम किस में लेंगे, बाय वेट, यानी कि 1 ग्राम ले सकते हैं, ठीक है। तो 1 पार्ट हम लोग क्या लेंगे, ड्रग को लेंगे और फिर उसको मोटार में ऐड कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, 99 पार्ट व्हीकल को लेंगे, 99 पार्ट व्हीकल को लेंगे। तो 99 पार्ट व्हीकल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, 33 पार्ट्स और 33 पार्ट्स। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अपने सुविधा के लिए हम लोग उसको ग्राम में लेके चलते हैं, ठीक है। तो 1 ग्राम हम लोग ड्रग ले लिए और रेस्ट 99 पार्ट हम लोग क्या ले लेंगे, उसमें सॉलिड व्हीकल। तो सॉलिड व्हीकल मेरा क्या होता है, शुगर ऑफ मिल्क, सॉलिड व्हीकल मेरा क्या है, शुगर ऑफ मिल्क। और फिर क्या करेंगे, 1 घंटा का प्रोसेस होता है टैचुरेशन, ईच प्रोसेस कितना देर का होता है, 20-20 मिनट का, 3 स्टेप होता है, ठीक है। तो 1 पार्ट हम लोग क्या ले लेंगे, क्रूड ड्रग ले लेंगे, उसमें 99 पार्ट हम लोग व्हीकल ऐड करेंगे। तो व्हीकल को कैसे ऐड करेंगे, 33 ग्राम और 33 ग्राम करके 20-20 मिनट के बाद एडिशन करते हैं, और 20 मिनट तक उसको अच्छे से टैचुरेशन करते हैं। तो टैचुरेशन में हमको क्या करना होता है, टैचुरेशन जो होता है 10-10 मिनट का 3 सब स्टेप होता है। तो पहले में 10 मिनट 6+3+1 के पार्ट में डिवाइड होता है, तो 6 मिनट का कंट्रास्ट रबिंग, 3 मिनट का स्क्रैपिंग और 1 मिनट का मिक्सिंग, ठीक है। और इसका डिटेल देखने के लिए आप हम लोग का वहाँ पे वीडियो जाके देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका टैचुरेशन कर देंगे 1 आवर टैचुरेशन के बाद पोटेंसी बन के तैयार हो जाएगा, फर्स्ट पोटेंसी हमारा तैयार हो जाएगा, यानी कि 1C बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद अगर 1C से 2C बनाना है तो हम क्या करेंगे, 1 पार्ट फ्रॉम द प्रीसीडिंग पोटेंसी, यानी कि 1 पार्ट 1C से लेंगे और उसमें रेस्ट 99 पार्ट क्या करेंगे, सॉलिड व्हीकल का एडिशन कर देंगे, और फिर 1 आवर का प्रोसेस हम लोग वहाँ पर कंटिन्यूएशन करेंगे। फिर 1 आवर के बाद हमारा 2C बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरह हम लोग आगे के पोटेंसी को बनाते हैं। और एक सबसे ज़रूरी बात क्या रखना है कि टैचुरेशन अगर करना है तो टैचुरेशन सेंटिसिमल स्केल में मात्र 3C तक ही हो सकता है, ठीक है। तो थैंक यू, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में डेसिमल स्केल को पढ़ लेंगे और उसके बाद 50 मिलीमल स्केल को पढ़ के इसको ख़त्म कर लेंगे। तो थैंक यू, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।